लिब्रॉन। आनंद जी, विकास फेरी जो ये अलग कॉन्सेप्ट देखने मिल रहा है पूरे मुंबई में, पूरे मुंबई महानगर पालिका की बात करें तो ये अलग विकास फेरी कुछ नज़र आ रही है यहाँ पे, इसके पीछे क्या कुछ रणनीति है और क्या कुछ संदेश जाएगा समाज को? जी, समाज के लिए तो सब लोग कोशिश कर रहे हैं, जो अब तक काम नहीं किया वो अभी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अब तक मेरा यही कहना है कि जो इलेक्शन के पहले आपको दिख रहे थे, वो इलेक्शन के बाद तो कोई हमको कॉरपोरेटर दिखा नहीं। तो मेरी रणनीति में यही होना चाहिए कि जो कॉरपोरेटर आपको अभी आपसे मिलता है, बनने की कोशिश करता है, वो जब तक आपको वापस फिर से नहीं मिलता है तो उसमें कोई रणनीति में कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हम लोगों की कोशिश यही है कि हर एक व्यक्ति की तरफ हम लोग जाके मिले, हर एक की जो भी अलग अलग प्रॉब्लम्स है उनको जानने की कोशिश करें, और उसके बाद ही हम लोग फिर क्या क्या उसका सुझाव है, क्या उसको कर सकते हैं। और अब तक जो हम लोगों को तकलीफ़ होती है, एज अ कॉमन मैन अगर किसी ने देखा तो एवरीबडी हैज़ गॉट प्रॉब्लम्स, बिकॉज रीचिंग द गवर्नमेंट, रीचिंग द कॉरपोरेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हर एक, जैसे बोला है कि एक खिड़की में सब कुछ होता है, वो कुछ नहीं होता है। टिल द टाइम यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। और ये सब रणनीति में कहीं ना कहीं तो कॉम्प्लिकेशंस आते ही हैं। जैसे लोगों को हम लोग ने जब इतने सारे घूमने के बाद देखा, क्या लोगों को तो 10-10 हज़ार घरों में सिर्फ 50 टॉयलेट्स है, कैसे यूज़ करेंगे लोग? और कोई उसको जाता नहीं है, घर में अंदर जाने की कोई किसी को जगह नहीं है। तो ये सब कोशिशें होनी चाहिए कि बोल के तो जाते हैं बट उसके बाद मैंने तो किसी अगर बात करें अपर्णा की, तो अपर्णा जी को क्यों वोट देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि जैसे चुनाव आता है ऐसे सभी पार्टियां बड़े बड़े दावे करती हैं, सभी बड़े बड़े लॉलीपॉप दिखाती हैं, तो क्या जनता दल भी उसी में से एक है कि या कुछ डिफरेंट है? यही तो मैंने कहने की कोशिश की, क्या बड़े बड़े बैनर्स देख के, बड़े बड़े उन्होंने जो अपने दावे दिखा के जो किए है, जनता दल बम्बई में इतना फेमस नहीं था क्योंकि जो सही लीडर्स थे उन्होंने देश के लिए काम किया। तो अभी हम लोग हर एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक आप हर एक के दिल में नहीं जाते हो और उसको दिमाग से वोट देने को आप बता नहीं सकते हो, तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ यश मिलना है। अगर पैसे से वोट खींचना है, अगर आपका ही टैक्स से, आपके पैसे से अगर वो वोट इलेक्शन जीत जाते हैं, तो फिर हर लोगों को जो मिलना चाहिए वो कभी मिलेगा ही नहीं। तो हम लोगों की कोशिश यही है कि एवरी कॉमन मैन मस्ट गेट व्हाट ही वांट्स, दिस इज़ व्हाट वी बिलीव इन। और वो करने के लिए अभी नहीं कि अभी इलेक्शन जीत गया तो किसी ने टाटा बाय बाय किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ज़रूर है, क्योंकि इतने सारे पानी वाली बाई थी, मुझे नहीं लगता है वो एक आपको छोड़ के गई, वो तो हमेशा आपके साथ ही थी। वीपी सिंह थे, हमेशा आपके साथ ही थे। तो यही कोशिश रहेगी और यही कोशिश जारी रहेगी। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।